नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर एमएलसी चुनाव बिहार में जो है वो चल रहे हैं और इन चुनावों के बीच में तेजस्वी यादव की आरजेडी ने जो है सूची जारी कर दी है। कुल 5 सीटें जो संख्या बल है उसके हिसाब से जो है महागठबंधन के खाते में आएंगी। तो तेजस्वी यादव ने खुद की पार्टी यानी कि आरजेडी के लिए 4 और भाकपा माले के लिए 1 प्रत्याशी के लिए सीटें जो है वो अलॉट की थी और उन चारों सीटों पर जो है तेजस्वी यादव ने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यह कि तेजस्वी यादव के इस जो नाम सामने आए हैं उससे तेजस्वी यादव ने एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है और साथ ही साथ एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश हुई है। बता दें आपको कि जो बिहार है वहां पर जो है एमएलसी के चुनाव इस वक्त चल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सूची अभी तक सामने आई नहीं है, लेकिन जदयू की तरफ से सूची सामने आ चुकी है और अब महागठबंधन की भी फाइनल लिस्ट जो है वो आ गई है सामने। ऐसे में जो नाम है पहले उनको हम आपको बताते हैं और उसके बाद जो है एक एक करके उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन नामों के पीछे को लाने के पीछे तेजस्वी यादव का रियल मोटो क्या है और इससे आरजेडी को आने वाले चुनाव में या आने वाले वक्त में किस तरीके का फायदा होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी A to Z वाली पार्टी है, यानी कि MY के तिलस्म को तोड़ करके A to Z के एक बड़े छतरी के नीचे तेजस्वी यादव अपनी और अपनी पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। राबड़ी देवी, क्योंकि ये नाम पहले से तय था कि ये जरूर शामिल होगा, तो राबड़ी देवी जो हैं वो प्रत्याशी बनाई गई हैं जो विधान परिषद के चुनाव 2024 के हैं उसके महागठबंधन की तरफ से। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं जो कि पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, एक बार और MLC भी रह चुके हैं, आरजेडी परिवार के बेहद खास लोगों में रहे हैं और सरकार जब भी बनती रही है आरजेडी के बिहार के अंदर में तो लगभग हर कालखंड में जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी को बड़ी जिम्मेवारी जो है पार्टी की तरफ से और खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से दी जाती रही है। उर्मिला ठाकुर जो है उनका नाम सामने आया है, ये भी जो है पटना के दीघा विधानसभा सीट से प्रत्याशी रह चुकी हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं और पार्टी की बड़ी वफादार सिपाही हैं। इसके साथ साथ जो है सैयद फैजल अली, ये नाम थोड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि ये नाम लालू परिवार के साथ तो जरूर रहा है लेकिन वो MLC की रेस में होगा या नहीं होगा ये बहुत साफ नहीं था, लेकिन उनका भी नाम है जो सामने आया है। और एक आखिरी नाम जो है जो कि भाकपा माले के कोटे में जो सीट गई है उससे शशि यादव को जो है वो प्रत्याशी बनाया गया। तो कुल 5 नाम है, हमारे सहयोगी देवांशु हमारे साथ में है। देवांशु, इन 5 नामों में एक नाम तो सब जान रहे थे कि जो है राबड़ी देवी तो तय है क्योंकि उनको तो जाना ही जाना है, लेकिन बाकी के जो 4 नाम है और खासकर के आरजेडी कोटे के जो 3 नाम है, इन तीनों नामों को मतलब पर भरोसा जता करके तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो की, वो मैसेज क्या है और इसका फायदा क्या होगा? देखिए, मैसेज बहुत क्लियर है। आज विश्व महिला दिवस है और इस दिन आधी आबादी को तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से खुश कर दिया। 5 जो है वो सीट थी जिसमें कि 3 पर महिला जा रही है, राबड़ी देवी हो गई, उर्मिला ठाकुर हो गई और शशि यादव हो गई, ये हो गई। और मुझे लगता है ना कि इसके जरिए तेजस्वी यादव ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है लोकसभा चुनाव से पहले जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आप कह सकते हैं कि देखिए, लास्ट टाइम जब राज्यसभा के लिए उम्मीदवार भेज रहे थे तो कहीं ना कहीं एक M का टिकट काट के Y को दिया गया, संजय यादव को दिया गया, उसको लेकर कई लोगों में उनकी पार्टी वर्कर्स में भी जो थे इंटरनल तौर पे नाराजगी थी कि ऐसा क्यों किया गया, मुस्लिम का टिकट जो है मुस्लिम को ही देना चाहिए। इस MLC चुनाव के जरिए आप कह सकते हो कि भूल सुधार जो है वो तेजस्वी यादव ने किया है। कहते हैं ना कि अब और देखिए, फैसल अली भी जा रहे हैं और अब्दुल बारी सिद्दीकी। सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है इन 5 नामों में अगर कोई सटीक और सही कैंडिडेट अगर तेजस्वी यादव ने चुना है तो वो है अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है मतलब कि आरजेडी के मतलब मैं कहूँ तो सबसे पुराने नेताओं में से एक है। 1974 में लालू यादव से जुड़े थे, 75 वाले उसमें जुड़े थे, 1991 में वो MLC रह चुके हैं, बिहार विधान परिषद के वित्त मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे, अनुभव है, लेकिन मौजूदा वक्त में उनकी उपयोगिता क्या है? देखिए, आरजेडी का कोई भी कार्यकर्ता के घर में कोई भी फंक्शन होता है तो अब्दुल लाल प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे राबड़ी देवी हो, चाहे तेज प्रताप हो, कभी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी की पहचान यह है ना कि आप अगर उन्हें न्योता दे देंगे ना तो कार्यकर्ता के घर वो जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बहुत ही मिलनसार है, बहुत ही कूल रहते हैं, काम रहते हैं, गुस्सा बहुत ही कम आता है। मतलब कि एक ऐसे नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी जिनकी मतलब कि स्वीकारिता जो है वो आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं में है। कोई कार्यकर्ता आपको मिलेगा नहीं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी जिले में हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में अगर आप पूछिएगा तो वो यही कहेगा बहुत अच्छे आदमी है।
ये एक परसेप्शन है उनके बारे में, और ये इसलिए है कि भले ही वो लगातार कुछ ना कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं से कनेक्शन जो है वो बैठाते जो है वो रहे। और दूसरा नाम देखिए ना, उर्मिला ठाकुर, हमेशा कहा जाता था कि बीसीपी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो मेहनत करता है उसे फल मिलता है। देखिए परिवार वाली पार्टी, ये परिवार वाली पार्टी, उर्मिला ठाकुर का जो सिलेक्शन जो हुआ है वो ये कार्यकर्ता है, ये भी पुरानी महिला कार्यकर्ता है, अब पार्टी संगठन से जुड़ी रही है, अब कई संगठन में प्रदेश प्रवक्ता भी रही है, महासचिव भी रही है, और लगातार जो है वो आरजेडी का झंडा जो है वो दशकों से झोते रही है। पटना में कोई भी पार्टी का कार्यक्रम रहा हो, शायद ही कभी कोई कार्यक्रम में उर्मिला ठाकुर ना पहुंची हो, इनकी मौजूद की जो है वो हर पार्टी के कार्यक्रमों में जो है वो रही है। पुरानी कार्यकर्ता है, प्रदेश महासचिव रही और प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं उर्मिला ठाकुर। पटना की ही रहने वाली, मूल तौर पे बेगूसराय की रहने वाली हैं उर्मिला ठाकुर। तो एक मैसेज क्लियर है कि ऐसा नहीं है हमारी पार्टी जो है सिर्फ माई बाप की पार्टी तो है ही, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की भी पार्टी। उर्मिला ठाकुर के जरिए ये मैसेज जो है वो निकला है। सीट जो है एक सीट तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगी को भी खुश किया, भाकपा माले को ये दिया, पहली बार माले की तरफ से कोई महिला बिहार विधान परिषद में जा रही है, सदस्य होने जा रही है, वो है शशि यादव। शशि यादव भी एक तरह से कह सकती हैं कि भाकपा माले में पुरानी महिला कार्यकर्ता रही हैं, कई संगठनों से एपा से भी जुड़ी हुई हैं और भी कई संगठनों से जो है वो जुड़ी हुई, और महागठबंधन के तरफ से साल 2020 में दीघा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी रह चुकी है, यानी कि संजीव चौरसिया के खिलाफ उन्होंने चुनाव भी लड़ा, चुनाव लड़ने का अनुभव भी है और सड़क पर जो है वो आंदोलन करने का भी अनुभव है। तो कुल मिलाकर एक बैलेंस जो है वो मुझे जो है यहाँ पर जो है वो लग रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एक फैसल 2019 में ये चुनाव लड़ते हैं शिवहर से, मुझे जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है कि शिवहर से चुनाव उन्होंने लड़ा था, ये लालू प्रसाद यादव के करीबी है। तेजस्वी यादव ने सिर्फ अपनी मनमानी नहीं की है, ये लालू प्रसाद यादव की भी लगता है कि चलने दिए, ये लालू प्रसाद यादव के करीबी है। मुझे याद है कि जब रांची में थे तो ये रेगुलर एक ऐसे नेता के तौर पर थे, भोला यादव तो जाते ही थे मिलने के लिए, ये भी जो है जनाब लगातार सैयद फैसल अली भी जाते रहते थे लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए, और दिल्ली में भी जब लालू प्रसाद रहते थे तो पार्टी के एक तरह से कह सकते हैं कि दुख की घड़ी में जो है हमेशा सैयद फैसल अली जो है वो खड़े रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता हैं और मुस्लिम समाज से आते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब राज्यसभा का जब नामों की घोषणा हुई आरजेडी की तरफ से, तो चेतन आनंद ने बड़ा हमला बोला, अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर उनके दिल में बड़ा दर्द था कि देखिए पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया, अब्दुल बारी सिद्दीकी को दिया ही नहीं गया, ये पार्टी जो है वो 3PA की पार्टी है। 3PA कौन? तेजस्वी यादव के 3PO का जिक्र किया उन्होंने। लेकिन अब तो चेतन आनंद खुश हो गए होंगे, उन्होंने कहा था कि मिलना चाहिए, लो दे दिया अब्दुल बारी से। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ से देखूं रोहित, लोकसभा का चुनाव है और नेता जो है वो परसेप्शन की राजनीति करते हैं, मैसेज देने की राजनीति करते हैं। पांच नामों में जो भी नाम है बहुत ही अच्छे से, राबड़ी देवी को तो जाना ही जाना था, वो तो नहीं, हाँ वो तो है, अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेज कर संड भी किया गया था, मतलब जब वो चुनाव हारे उस पार्टी में बहुत सक्रिय तौर पे नहीं थे, मतलब कुछ बड़े प्रोफाइल, हाँ, बड़ा कोई प्रोफाइल नहीं था, अलीनगर से विधायक बनी तो उस वक्त भी मतलब सीन से लगभग आउट से नजर आते थे, लेकिन चलो उनको एक बार फिर से ला करके सदन के अंदर में, खास करके परिषद के अंदर में तेजस्वी और आरजेडी की बातों को जो है पुरजोर तरीके से कोई उठा पाए, तो उसके लिए एक बहुत सीनियर नेता को जो है तेजस्वी यादव ने या फिर लालू यादव ने चुना है, जिसका नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी के तौर पर, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं लंबे वक्त तक, MLC भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, और एक स्पेशल सबसे जो खास बात यह है कि जिस इलाके से आते थे वर्षों वो उस इलाके में तेजस्वी यादव जो है बड़े जीत चाहते हैं, और जाहिर तौर पर क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है कहने के लिए सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन कई लोकसभा सीटों या कई विधानसभा सीटों में पर उनके चेहरे का इस्तेमाल जो है वो आरजेडी कर सकती है और ये मैसेज दे सकती है कि हम A to Z की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा कोर वोटर है जो कि MY है, उसमें का जो M है वो अभी भी मेरे साथ है और हम उसके लिए फिक्रमंद हैं, ऐसा भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, साल 2019 में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दरभंगा से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि गोपाल जी ठाकुर BJP के थे, उन्होंने वो हरा दिया था अब्दुल बारी सिद्दीकी को, लेकिन फिर भी दरभंगा के आसपास के इलाकों में पकड़ तो है अब्दुल बारी सिद्दीकी को, और मतलब कि इसको कोई नकार नहीं सकता है, और करीब 5-6 बार विधायक रह चुके हैं, MLC भी रह चुके, पुराने नेता हैं, धाकड़ नेता हैं, कूल काम रहने वाले, इनको रिवार्ड देकर कहीं ना कहीं
आरजेडी कार्यकर्ता है ना, वो आज खुश हुए होंगे। कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी जिले का हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी को आरजेडी का हर कार्यकर्ता जानता है, क्योंकि वो हर जिला में जाते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं, और कोई भी उनसे जाकर मिल सकता है। उनके द्वार जो है ना सबके लिए खुले हुए हैं, आप जाइए मिलिए। ऐसा नहीं है कि दोपहर को साहब सो रहे हैं, शाम को कहीं गए हुए हैं, वो दिन भर घर पे ही। और लालू यादव के लिए इतने खास हैं दिवांशु अब्दुल बारी सिद्दीकी, ऐसे बताते हैं आपको। हाँ, कि राहुल गांधी मटर, जब लालू यादव मटर बनाने को खिलाते हैं बना करके राहुल गांधी को, तो जो है क्योंकि मटन एक्सपर्ट भी है सिद्दीकी। हाँ, मटन एक्सपर्ट भी है सिद्दीकी। दिल्ली जाते हैं मटन लेकर के पटना से, क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरह का मटन चाहिए था उनको जो कि लालू यादव अब्दुल बारी सिद्दीकी के हाथों का खाते थे। कुछ वैसा ही उसी रेसिपी के हिसाब से वहां पे चीजें बनती हैं, और अब्दुल बारी सिद्दीकी सीन में नजर आते हैं वहां पे दिल्ली में। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं क्योंकि नजदीकी तो है ही उस परिवार के साथ इनकी। और मुझे याद है कि कई दफे जब हम लोग बैठते थे, जब ये बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे या जब विपक्ष में थे, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी कुछ कुछ वाक्यों का जिक्र करते हुए कहते थे कि लालू जी को, मतलब साहब की जो है उनको खाने का मन था, तो वो बोलते थे तो रात में बन के जाता था। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो है ना वो थोड़ा सा फैमिली टच फैमिली। और अभी मैं देखता हूँ शाम में कोई, मतलब कि जाते रहते हैं मिलने के लिए, मतलब कि घरेलू है। तो वही बात है, मतलब कि जो तीन नेता जो मुझे जहन में है, जो कि लालू परिवार के सबसे करीब रहा है पुराने नेताओं में से, उसमें से एक नाम है श्याम रजक का, हालांकि वो छोड़ करके बाद में फिर आरजेडी गए। उसके बाद एक नाम है आपको रामकृपाल यादव का, और एक नाम जो था वो अब्दुल बारी सिद्दीकी का था। तो ये तीन जो नेता थे वो लालू परिवार के घर के अंदर के नेताओं में से गिने जाते थे, और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उस भरोसे को कायम रखा, चाहे जो है लालू परिवार सत्ता में हो, उसके खिलाफ हो, कुछ भी हो, लेकिन ये नाम जो है वो चलता रहा। तो ये कुल पांच नाम जो है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव ने इन नामों के सहारे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। बड़ी बात यह है कि राबड़ी देवी का नाम पहले से तय था कि वो जा रही हैं, पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को जो है, जैसे कि मुन्नी रजक के मामले के वक्त में हुआ था, अचानक से सबको चौंका दिया था लालू परिवार ने और तेजस्वी यादव ने मुन्नी रजक को जो है भेज करके, तो ये एक बात थी। मतलब कि कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले इस MLC चुनाव के जरिए मास्टर स्ट्रोक खेला, पहला मास्टर स्ट्रोक। तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि आरजेडी जो है वो माई बाप की पार्टी है और साथ ही कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये सिद्ध जो है उन्होंने उर्मिला ठाकुर को भेज के किया। कई लोग लास्ट टाइम राज्यसभा चुनाव की बात कर रहे थे, ये पार्टी जो है ना सिर्फ MY की नहीं है, सिर्फ बाई की पार्टी रह गई, उनको भी कड़ा मैसेज दिया। ये पार्टी जो है वो M की भी पार्टी है, अब्दुल बारी सिद्दीकी और सैयद फैसल अली को भेज कर किया। और उसके बाद ये पार्टी तेजस्वी यादव कहते हैं ना कि आधी आबादी की भी पार्टी, तो देखिए पांच सीट थी, तीन महिलाओं को भेज रहे, तो कुल मिला के ओवरऑल गजब का कॉम्बिनेशन जो है ना, बैलेंस, गजब का कॉम्बिनेशन, शानदार कॉम्बिनेशन। मैं जो, जो आरोप उनके ऊपर लग रहे थे परिवारवाद का, उस आरोप को तोड़ा है। जो आरोप लग रहा था मुसलमानों की अनदेखी करने का, हिना शाह यस्तिवान वाला चैप्टर अगर देखें तो उसको यहाँ पे एक तरीके से कंपनसेट करने की कोशिश की है, दो दो चेहरे दिए हैं। और दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि जो सामाजिक ताना-बाना उसमें बिठाने की कोशिश की है, राबड़ी देवी के नाम को हटा दें अगर, तो उससे क्लियर कट है कि तेजस्वी यादव बड़ा सोच रहे हैं आने वाले चुनाव में, बड़ा गेन हो उनको, लिहाजा बड़े कदम उठा रहे हैं, और इन बड़े कदमों का असर लोकसभा चुनाव में या फिर तेजस्वी की जो मौजूदा जो इमेज है बिहार के अंदर में, उसको बढ़ाने के लिहाज से जो है अहम साबित हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।